और इसके साथ ही साथ सुरजेवाला ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं सुरजेवाला को यही कहना चाहता हूं, इमरजेंसी से लेकर आज तक इस प्रजा प्रभुत्व के लिए राक्षस कौन है लोग देख लिया है। कांग्रेस का ये अहंकार का मानसिकता देखिए, अगर उनको वोट नहीं देती है तो लोगों को राक्षस बना देते हैं ये लोग, तो सिर्फ उनको वोट देते हैं तो भी वो लोग अच्छे लोग हैं। और इनके कारनामा 10 बरस से यूपी के कालखंड में देखते हुए लोग उनके खिलाफ वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया, क्या वो लोगों को आप राक्षस बोलना चाहते हैं? तो ये लोगों का, मतदारों का, भारत के जो आम नागरिक है, जो प्रजाप्रभुत्व में अंतिम निर्णय और सबसे अधिक किसी को रिस्पेक्ट मिलना है तो इस देश को आम जनता को मिलना चाहिए, वही आम जनता को आप राक्षस बोल रहे हैं, ये घोर अपमानना है कांग्रेस पार्टी। मैं ये सुरजेवाले से अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो माफी मांगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी अधिक रूप से माफी मांगना चाहिए, अनकंडीशनल माफी मांगना चाहिए। सर, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार